पुलिस ने की मीडिया कर्मियों से अभद्रता। गणतंत्र दिवस परेड का मीडिया ने किया बहिष्कार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आज गणतंत्र दिवस पर बेहद नकारात्मक तस्वीर उस समय सामने आई जब पुलिस परेड के पूर्व मीडिया कर्मियों से पुलिस ने अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिससे नाराज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों ने पुलिस परेड का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया। मुरादाबाद की मीडिया आज एक बार फिर से उस समय सुर्खियों में आ गई जब रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस परेड के पूर्व पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिससे नाराज सभी मीडिया कर्मी पुलिस परेड का बहिष्कार करते हुए ग्राउंड से बाहर निकल गए। मुरादाबाद से आई इस तस्वीर ने आज योगी पुलिस के व्यवहार पर सवालिया निशान लगा दिया है। विदित हो, पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान डीएम ने इमरजेंसी वार्ड में बंधक बना लिया था, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की खासी किरकिरी हुई थी और आज पुलिस द्वारा की गई अभद्रता से साफ जाहिर हो गया। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया, भाजपा सरकार में मीडिया किस पायदान पर पहुंच गया है? आज हुई इस घटना पर जब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से पूछा गया तो वो बेहद संजीदा होते हुए बोले कि जो हुआ वो गलत है और इस मामले में अधिकारियों से बात की जा रही है, कार्यवाही होगी। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में जो परेड में क्या विवाद हुआ पत्रकारों का पुलिस का? आज 26 जनवरी को लेकर परेड का आयोजन था सिविल लाइन पुलिस लाइन में। यहाँ कवरेज के लिए जितने भी पत्रकार आए उनके साथ अभद्रता की गई, अंदर कवरेज करने के लिए नहीं जाने दिया गया। एक जगह पूरी तरीके से उन्हें बंधक बनाकर रख दिया था, जिससे कि चारों तरफ जो कवरेज थी वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए परेड का बहिष्कार। धुंध की वजह से सबसे बड़ी परेशानी थी, अगर एक जगह भी कर दिया तो, अगर धूप निकलती तो चारों तरफ हम कवरेज कर लेते, लेकिन धुंध की वजह से कवरेज नहीं कर हो पा रहे थे। बिल्कुल कोहरा बहुत भयंकर कर गया था, इसलिए सारे पत्रकारों ने मिलकर आज परेड का बहिष्कार किया है। गणतंत्र दिवस की जो परेड की आप कवरेज करने आए थे, क्या हुआ? सभी लोगों को इनवाइट किया गया था, बाज़ाब्ता मतलब मैसेज दिया गया था। उसके बाद ना पत्रकार जैसे ही पहुंचे तो फर्स्ट गेट से जाने की कोशिश की तो वहां से हटा दिया गया, सेकंड गेट से जाने की कोशिश की वहां से भी हटाया गया, और एक मंच बनाया गया था जहां से कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, जबकि फॉग काफ़ी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कभी ब्रिटिश शासन में अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होती थी, अभी भी परेड के टाइम हमें अंदर घुसने के लिए मना किया गया, जिसका सभी साथियों ने बहिष्कार किया। सभी पत्रकार यहाँ एक तरफ मौजूद हैं, गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। अभी तक किसी अधिकारी ने या किसी ने इनसे जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार पत्रकार चौथा स्तंभ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही बाहर आ गए हैं, और बिल्कुल ये हनन किया गया है, अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर किया गया है, क्योंकि कानून के संविधान में चौथा स्तंभ पत्रकार कहलाते हैं और उनको जो है बिल्कुल उससे बिल्कुल बाहर करा गया है। निराशा का सामना करना पड़ा है हम लोगों को और हम बाहर खड़े हैं। हाँ, और लोग मतलब पुलिस ने बाकायदा ये कहा अगर जाना है तो जाएं आप यहाँ से, हम इधर से नहीं जाने देंगे।